हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 16 ऑफ मई और आज का दिन है थर्सडे। आज द हिंदू का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का फर्स्ट आर्टिकल ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट, व्हाट इज ट्रेड डिफिसिट? ट्रेड डिफिसिट उसको बोलते हैं हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितने इम्पोर्ट कर रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस है उसको ट्रेड डिफिसिट, हमको नॉर्मली इसको ट्रेड डिफिसिट बताया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्ट अगर नॉर्मली इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंडिया केस में इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, इसके कई रीज़न है। ठीक है, वो रीज़न हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरा जो आपको वादा है, मेरा जो मानना है, अगर इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे तो इस टॉपिक के ऊपर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड हम देखेंगे तो किस एंगल से जो एग्जामिनर जो सिलेक्ट करता है वो मेनली जो कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी नहीं क्वेश्चन ही आएगा। क्वेश्चन इस तरह आएगा, आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तभी आपको क्लियर कर पाएंगे। जिसका से कल हम डिस्कस इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहा था, सिमिलरली ट्रेड डिफिसिट, बैलेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इस टर्मोलॉजी आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम ट्रेड डिफिसिट बात करते हैं, इसका इम्पैक्ट, हम ट्रेड डिफिसिट बात क्यों करते हैं, इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा वो जानना बहुत ही जरूरत है। कि ट्रेड डिफिसिट अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, इम्पोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे, तो हमारा इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में पड़ेंगे। ठीक है, कई सेक्टर में पड़ेंगे, कई अलग अलग जगह सेक्टर में पड़ेंगे। तो अगर ट्रेड डिफिसिट क्यों होते हैं, हमारे रीजन, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, वो भी हम वन में डिस्कस करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का आर्टिकल क्या बोल रहा है, हिंदू के आर्टिकल इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अप्रैल में जो है ट्रेड डिफिसिट जो है इंक्रीज हुआ। अप्रैल 2023 का डिफरेंस देखेंगे, 2023 अप्रैल में जो था 14.44 था। ठीक है, और जो अभी जो है 19.1 जो यूएसडी बिलियन, ठीक है, इतना 19.1 जो यूएसडी बिलियन इतना डिफिसिट है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट, अब देखिए एक्सपोर्ट कितना था, लास्ट अप्रैल में 34.62 यूएसडी बिलियन था, अभी कितना 34.99 जो यूएसडी बिलियन हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1.07% जो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। और जो इम्पोर्ट केस में जब देखेंगे, लास्ट अप्रैल में 49.06 था, 49.06, अभी हुआ 54.09, मतलब है 10% जो इम्पोर्ट जो है, अगर लास्ट अप्रैल का, इस अप्रैल का बात करेंगे, 2024 के अप्रैल का बात करेंगे, तो इम्पोर्ट काफ़ी इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसका कई रीजन हो सकते हैं, क्या क्या रीजन का इम्पोर्ट इंक्रीज हुआ वो हम देखते थे, वन बाई वन देखते थे। ठीक है, इसमें एक लाइन इन्होंने बोला, थैंक्स टू जो है ग्लोबल ऑयल, क्रूड ऑयल मेन, हम तो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, और गोल्ड जो है इम्पोर्ट, उसका प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गया, इसका वजह से जो अमाउंट जो है ट्रेड डिफिसिट अमाउंट जो है काफ़ी गैप हो गया। मेन जो इम्पोर्ट मेजर जो हमारा क्रूड ऑयल जानते हैं, क्रूड ऑयल जो हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, और जो गोल्ड हम इम्पोर्ट, इस दोनों पॉइंट के ऊपर ये दोनों आइटम जो है काफ़ी इंक्रीज हुआ, वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है जो ट्रेड डिफिसिट काफ़ी इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले समझ लेते आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, 32% इंक्रीज हुआ ईयर टू अप्रैल महीने, 32% जो दिख रहा था ट्रेड डिफिसिट इंक्रीज हो गया ड्यू टू इम्पोर्ट, ज़्यादा मेजर इंक्रीज हो गया। ये क्या बोले, कंपेयर टू मेनली गोल्ड, जो गोल्ड कितना हुआ, जो गोल्ड जो अप्रैल महीने में 3.33 यूएसडी बिलियन इम्पोर्ट हुआ था, लास्ट ईयर कितना था, 1.01 यूएसडी बिलियन, में तीन गुना हो गया, 20% जो है। एंड तो इम्पोर्ट ऑयल कितना था, ऑयल का क्या देखेंगे, मतलब गोल्ड जो है तीन गुना इम्पोर्ट ज़्यादा इंक्रीज हो गया, पहले जो लास्ट ईयर 1 बिलियन के आसपास था, इस बार 3 बिलियन के ऊपर हो गया जो इम्पोर्ट हो गया गोल्ड जो। दूसरा जो है इम्पोर्ट ऑयल, क्रूड ऑयल जो इसमें था 2.8 बिलियन था, ठीक है, उसमें जस्ट मोर देन डबल ऐसा बताया, मोर डबल हो गया क्रूड ऑयल इम्पोर्ट, जो बिल अमाउंट, बिलिंग अमाउंट ऐसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके जो इसके बाद ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अदर आइटम्स जो गोल्ड और इसके जो अदर आइटम्स जो बात कर रहे हैं, इसमें जो अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गोल्ड 14 कमोडिटीज़ जो और भी कमोडिटीज, एक तो पल्स हम रिपोर्ट करते हैं, पल्स में 172.3% इंक्रीज हो गया,
ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 27.7%, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल 18.4%, इलेक्ट्रॉनिक्स 10%, इसमें जो है इसका जो इंक्रीज होगी इम्पोर्ट, इसका वजह से ट्रेड डिप्लिसिट हो गया। मतलब एक क्वेश्चन इस तरफ नहीं आएंगे, लेकिन जानकारी होना चाहिए कौन सा पॉइंट में क्या है। दूसरा जो और भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, टॉप 30 एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट में डिक्रीज हो गया। इंजीनियरिंग गुड जो है -3.2%, जेम्स एंड ज्वेलरी -6.9%, लेदर में -7%, जो एक्सपोर्ट पर रिड्यूस हो गया, इंपोर्ट पर बढ़ दोनों का गैप बहुत इंक्रीज हो गया। मैन मेड मतलब पॉलिस्टर लाइन ऑन यान से सब है -6.3%, रेडीमेड गारमेंट जो है -1%, एग्रीकल्चर गुड्स एंड जो है कंट्रो ड्रॉप्स इन सीपेंट 4.8%, वेजिटेबल्स -6.8%, मैरीन प्रोडक्ट फेल 13% जो है, इस सारी प्रोडक्ट का पर इंक्रीज हो गया। मतलब एक मतलब समझ में आ रहा था, इंपोर्ट जो इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट मतलब गोल्ड ज्वेलरी पार्सेस जो है, जो वेजिटेबल फूड वेजिटेबल इंपोर्ट इंक्रीज हो गया, एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा, दोनों का गैप बढ़ गया। ठीक है, मिनिस्ट्री क्या बोले, कॉमर्स मिनिस्टर इन्वॉल्व दैट, इसमें जो 2023 में WTO में थोड़ा पॉजिटिव इसमें है, इसमें एक्सपोर्ट में काफ़ी इंक्रीज होगा। मतलब ऐसा सोचा जा रहा है 4.22% आप लास्ट में इंक्रीज हुआ, इस बार सोचा जा रहा है इंपोर्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट का ही सेक्टर में एक्शन लिया है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया अलग अलग सेक्शन में। कुछ पॉइंट जानकारी हो, इसमें क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट का जानकारी होना चाहिए। क्या क्या चैलेंज टू एसेस द फाइनेंस, तो हमारा जो मेन हमारा जो इंडस्ट्रीज है कई सेक्टर में फाइनेंस में जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करता है। हमारा जो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि फाइनेंस जो है ये तो हाई इंटरेस्ट रेट है, अभी इंटरेस्ट रेट 6.5 रेपो रेट चल रहे हैं बैंक का, इसमें हाई इंटरेस्ट रेट है, उसके वजह से जो काफ़ी जो फाइनेंस भी जो है उसका प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट का जो है ऑर्डर शिपमेंट नहीं जा पाते हैं, ये भी एक मेजर रीजन। हमारा जो फंड जो है उसका फंड का जो ना होने की वजह से भी जो एक्सपोर्ट भी डिक्रीज होता जाता है। फंड भी तो होना चाहिए, मतलब बैंक जो सेक्टर है उसको लोन भी तो मिलना चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर उसको लोन मिलेंगे, लोन में जो पेमेंट डिस्प्ले होगा उसको बैंक में लोन देंगे, मतलब पेमेंट जो लोन जो है उसको ना मिलने के वजह से ये भी होता है। मतलब लोन मतलब इजी अवेलेबल लोन, मतलब लो इंटरेस्ट हो जाता है। लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है बहुत पोर है। कुछ टॉपिक पार्टिकुलर हमारा एक्सपोर्ट है, कुछ पार्टिकुलर एक तो इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, इस टाइप सेक्टर में जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, वेजिटेबल हो गया, कुछ पॉइंट को हम करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बास्केट का ही कंटेंट बास्केट बहुत, मतलब टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ये प्रोडक्ट हमारा जो है एक्सपोर्ट बास्केट और इंक्रीज करना है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट इंक्रीज कर लगे हुए, ठीक है। एग्रीकल्चर बात करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर बास्केट और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस फूड कोई भी जो प्रोसेस फूड हो गया, कोई भी सेक्टर में एग्रीकल्चर बास्केट इंक्रीज करेंगे तो भी जो है एक्सपोर्ट हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। ये भी मेजर पॉइंट है। प्रोटेक्शनिज्म और डीग्लोबलाइजेशन ये भी पॉइंट है, आशिया यूक्रेन वन ये भी हो गया, जो वेपनाइजेशन जो है, सप्लाई चेन कई सारे फैक्टर जो है, कुछ कंट्री में जो है ऐसा बोलते हैं उसके वजह जो है एक्सपोर्ट का भी लीकेज हो गया। ऐसे भी एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज अब रेड सी क्राइसिस, ठीक है, रेड सी क्राइसिस होने की वजह से क्या हुआ, राशि कुछ पार्टिकल कंट्री जो एक्सपोर्ट का जो है डेस्टिनेशन लॉन्ग रूट होते जा रहा है। सपोज कोई इंडिया से कोई जगह यूरोप में जाएंगे, पहले रेड सी होकर जाते थे, अभी पहले इंडिया से रेड सी होकर घूम के जाता, अभी वो घूम के डबल घूम के जाना पड़ता, मतलब इसका जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग कॉस्ट काफ़ी 30-40% इंक्रीज हो गया। तो जहाँ पे डेस्टिनेशन जहाँ जिस कंट्री है यूरोप में है, वो लोकल से कई नियरेस्ट कंट्री से लेकर जा रही है, इसमें जो इंडियन एक्सपोर्ट का भी हैम्पर हो रहा है। ये तो रेड सी क्राइसिस कैसे हो गया, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ईरान के साथ जो यमन का हतोई ग्रुप जो है वो भी कई अटैक हुआ था, जो इसराइल उसमें उसके भी कई सारी ये हो गया। ये जो पॉइंट्स है कुछ ग्लोबलाइजेशन कुछ पॉइंट इसके वजह से भी कई सारे सेक्टर में दिक्कत हो, अभी जो कई वॉर पे चल रहा है, ऐसे भी जो पॉइंट है इंडियन एक्सपोर्ट हैम्पर हो रहा है। मेजर एक्सपोर्ट क्या क्या, इंजीनियरिंग जो बात, इंजीनियरिंग गुड्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल अपैरल्स है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, और जो है मेजर जो है क्रूड ऑयल जो रिफाइंड क्रूड ऑयल से भी है पॉइंट है, ये भी इंजीनियरिंग गुड्स मोबाइल फोन ये सब मेजर एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करना क्या करना है, हमारा जो बास्केट बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, एक टॉपिक है। जो ग्लोबल ऑयल प्राइस जो मेजर एक्सपोर्ट ग्लोबल ऑयल प्राइस एक मेजर इंपॉर्टेंट, एक जो अभी लास्ट ईयर जो ऑयल प्राइस डिक्रीज हुआ था उसमें हमें फायदा भी मिला था,
ठीक है, तो ट्रेड डिप्रेशन डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि बिलिंग अमाउंट कम हो जाते हैं। अभी ग्लोबल ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गया इस साल, इसका वजह से जो है ट्रेड डिप्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इम्पोर्ट बिल ज़्यादा हो जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी वर्ल्ड ट्रेड काफ़ी सारे फैक्टर जो बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर है गवर्नमेंट जो टारगेट्स जो है, कैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कैसे पॉलिसीज है, कई सेक्टर में गवर्नमेंट जो काफ़ी से सब्सिडी देता है, कई इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देते हैं, ऐसे भी पॉलिसीज है, उसके वजह से भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फैक्टर करता है। कुछ पॉइंट बहुत भाई साहब बहुत जानकारी होना चाहिए, व्हाट इज ट्रेड डिफिसिट क्या है, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, कुछ पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं बोलूँ यही सब, मैं तो मोटा मोटा दो तीन मिनट बता दूँ, लेकिन आपको बुक्स में जाके बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन सब आएगा आएगा कि करंट अफेयर्स इतना तो समुंदर है, करंट अफेयर्स जितना साइट में जाएंगे इतना करंट अफेयर्स होते हैं, हर दिन इतना करंट इतना न्यूज आ जाता है, आप कितने याद रखेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट आपको कुछ करेंगे, कुछ पॉइंट टॉपिक का क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट होगा तो क्लियर होगा, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, मैं बार बार सोचता हूँ, मतलब अगर हम फेलियर होने का रीज़न क्या है, अगर आप बोलेंगे हम यूपीएससी में कोई हमको चांस नहीं मिला, हमको फेल हो गया, उसका रीज़न क्या है, उसका एनालिसिस करिए। ठीक है, फेल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, सपोज अगर ये रीज़न एनालिसिस करेंगे तब इस टॉपिक हम ट्रेड डेफिसिट हम पढ़ लिया, ट्रेड डेफिसिट पढ़ लिया तो इस टॉपिक हम डेप्थ में नहीं गए, ऊपर ऊपर पढ़ के चले गया, वो समझ में आ गया, 3-4-5-6 आर्टिकल हम पढ़ लिया हिंदू का, आपको समझ में आ गया, ऊपर पढ़ के चला गया, अब डेप्थ में तो गए भी नहीं, ये भी वन ऑफ द रीजन है आपको फेलियर होने चांसेस है। आपको मैं बोलता हूँ आपको जो फेलियर होने का चांस जितना भी एनालिसिस करेंगे उसको रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है, वो आपका लिए पास होने का चांसेस आपको काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ठीक है, आपको फेलियर होने का चांस, आपको रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा, रिस्क एनालिसिस मतलब जो है आपको जो रिस्क मतलब फेल होने का चांस, रिस्क एनालिसिस वन बाय एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेते जाएंगे तो आपको जो है पास होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए टॉपिक को जाते हैं, ट्रेड डिफिसिट क्या है, व्हेन अ कंट्री इम्पोर्ट सरप्लस दी विद एक्सपोर्ट, जो कंट्री जो अगर इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाएगा एक्सपोर्ट से कोई भी फिजिकल एयर में, दे कंसीडर टू बी ट्रेड डिफिसिट नेगेटिव बैलेंस ट्रेड अनदर फेज ऑफ ट्रेड डिफिसिट, जो नेगेटिव बैलेंस अपन हो जाएगा। द टर्म ट्रेड डिफिसिट रिफर टू अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दैट टेक्स प्लेस बिटवीन कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ट्रेड डिफिसिट। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट की बात भी कर रहे हैं सर्विसेज से बात है, कुछ चीज़ें विजिबल है, हम गोल्ड इंपोर्ट करता है, हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, ये विजिबल है, हमको कंटेनर देख रहे हैं, कुछ पॉइंट इनविजिबल है, सर्विसेज देते हैं तो इनविजिबल है, ऐसे भी जो इनकम होता है कुछ इनकम करते हैं, कुछ को लोन इंटरेस्ट, किसी को कुछ फॉरन कार जहाँ पे करते वहाँ पे जगह पेमेंट इनकम होता है गवर्नमेंट, वो भी इनकम है, ठीक है, वो भी इनविजिबल है, कोई फॉरन में कोई जाके अपने इन्वेस्टमेंट किया उसको इनकम आता है, वो भी इनमें इनकम है, कई जगह उसको लोन दिया उसके इंटरेस्ट इनकम होता है, वो भी गवर्नमेंट इनकम है, इनविजिबल है, लेकिन ये एक अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अकाउंट काइंड अकाउंट जो हो जाएगा। प्रोडक्ट सर्विस विच आर फॉरेन ट्रांजेक्शन एज वेल फॉरेन ट्रांजेक्शन साथ जो करेंट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट कैपिटल अकाउंट जो है ऑल यूज टू कम्पीट द ट्रेड डिविजिट, मतलब हम बात किया करेंट अकाउंट में आपको समझने आपको कॉन्सेप्ट लेना, जो बुक्स उठाइए इकोनॉमी को समझ ले लीजिए, इसको फाइनेंशियल अकाउंट क्या है कैपिटल अकाउंट क्या है, सारी चीज़ को एक एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से पढ़िए, इसे क्या है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। व्हेन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अकाउंट टू ए नेगेटिव बैलेंस इट सेड टू बी ट्रेड डेफिसिट, नेगेटिव हो गया तो ट्रेड डेफिसिट बोलेंगे। व्हेन ए फॉरेन अकाउंट साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ट्रैक ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को भी फॉरेन अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉज होगा। ट्रेड डेफिसिट रीजंस क्या है, जो बात हम ऑलरेडी करते ट्रेड डेफिसिट क्या होने, कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस व्हाट ही रिक्वायर्स, हमको जो चाहिए वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये भी एक भी रीजन है। सपोज हमने कोई भी आइटम का सपोज एक आइटम का टेक्सटाइल प्रोडक्ट का एक आइटम का हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने उसको डाइंग करना है कुछ उसको प्रोसेस करना है, उसके लिए केमिकल चाहिए, जो केमिकल हम इंडिया में बनाते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है नंबर वन, लेकिन इंटरनेशनल में उसको जो इसका प्राइस जो है सपोज गारमेंट का डाइंग करना है स्विंग करना है कुछ भी करना है उसको इंटरनेशनल प्राइस जो है उसमें कम्पीट करने के लिए रॉ मटेरियल जब भी प्राइस को तो ठीक करना पड़ेगा, फायदा जब इंडियन में रॉ मटेरियल का प्राइस होगा खूब ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट करना हमारी इजी रह जाएगा, ऐसे भी करते भी है, ठीक है, इस केस में जो इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाता है, सपोज हम कोई भी केमिकल से
केमिकल्स में लगता है सपोज प्रोडक्ट बनाने के लिए, केमिकल डाइज केमिकल कोई भी एज एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया में जो बनाते हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, उससे कॉस्ट इंडिया में यूज करने के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है ज़्यादा इंक्रीज हो, ग्लोबली जो है उसको जो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं कॉम्पिटेटिव मार्केट में, उसको जाना नहीं पा रहा है। इसलिए कि आदमी क्या करते हैं, अगर बाहर से बाहर कंट्री का जो रॉ मेटेरियल केमिकल डाइज केमिकल्स जो है उसको सस्ते में मिलता है तो बाहर से परचेज कर लेते हैं, तो इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाता है। ये भी एक पॉइंट है। ये बोले ट्रेड डिफिसिट व्हेन कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस व्हाट इट रिक्वायर्स एंड मस्ट इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज वाइल पेइंग इम्पोर्ट टैक्सेस, इम्पोर्ट टैक्स के देने के बाद भी कभी सस्ते पड़ जाते हैं, ऐसे भी केस हो जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ इंडिया में बनता भी नहीं, कैसे वैसे भी होता है। बहुत सारे अपने मेडिसिन हो गया, बहुत सारे मेडिसिन इक्विपमेंट हो गया बाहर से इम्पोर्ट होता है। अपने जो हाथ में देखोगे जो मैक्सिमम केस में जो कोविड के टाइम में जो हाथ में देखा होगा जो ये करते हैं जो पल्स रेट बनते हैं मैक्सिमम इम्पोर्ट होते हैं, इंडिया में बनता भी नहीं वो चीज़, ऐसे भी होता है। बहुत सारी जो मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते में मिलता है ठीक है, वो बाहर से इम्पोर्ट होता है, इंडिया में वो सस्ते में बनता नहीं पाता, ऐसे भी जो हमारा जो चाहिए वो नहीं मिलता ठीक है, ऐसे भी कैसे हो जाते हैं। बहुत सारी वॉच देखा होगा इम्पोर्टेड वॉच है, इतना सस्ते में तो हाई क्वालिटी बनता भी नहीं ठीक है। नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन ए बिजनेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अनदर कंट्री, कोई बिजनेस अगर कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अनदर कंट्री जो है और इन अनदर कंट्री जो है इसको भी वैसे भी जो है इम्पोर्ट हो जाता है ठीक है। रॉ रिसोर्स यूज मैन्युफैक्चरिंग आर एक्सपोर्टेड व्हाइल द फाइनल कमोडिटीज ब्रॉट इन टू द इम्पोर्ट आर इम्पोर्टेड, कई केस ऐसा भी देखा गया हम जो बिजनेस करते हैं उसको जो बाहर में कंट्री के लिए करते हैं रॉ रिसोर्स जो है हम बाहर भेज देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हम मिल लेते हैं उसको भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो भी डिपेंड कर लेते हैं ठीक। रॉ मटेरियल जो सस्ते में बाहर एक्सपोर्ट कर लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट मतलब मैक्सिमम हाई प्राइस में हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, ऐसा भी केस का ही देखा गया। इस केस में जो है हमारे इम्पोर्ट डिप्रिसिएट हो जाएगा, नहीं समझ में आया। सपोज कोई प्रोडक्ट का जो है रॉ मटेरियल प्रोडक्ट का जो है 20 रुपीज़ का 20 जितने मैक्सिमम 10 आइटम का जो है 8 मतलब है हो जाएगा 70 रुपीज़ का रॉ मटेरियल बाहर भेज दिया, बाहर प्रोडक्ट बना हुआ उसका जो है आया 200 रुपीज़ का रॉ मटेरियल 70 रुपीज़ का बाहर बना है, बाहर से 200 रुपीज़ का हम इम्पोर्ट कर लिया, इसमें तो कितना डिफिसिट हो जाएगा, 130 रुपये डिफिसिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बनाते उस प्रोडक्ट को तो इसमें डिफिसिट नहीं होता, ये भी मेजर पॉजिटिव पॉइंट है कि हम उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास इतना मशीनरी नहीं है। बहुत ध्यान इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड डिफ्रेंसी इम्पैक्ट क्या है, बहुत ध्यान से सोचिए इम्पैक्ट क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ ठीक है। एक तो देखो इम्पैक्ट क्या होगा, इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक तो स्टैंडर्ड वो जो बात कर रहा था हमारे पास जो बहुत सारी इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, हम बनाते नहीं बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज हो जाएगा ठीक है। जो बाहर से इम्पोर्ट बहुत सारी चीज़ हम यूज़ करते इम्पोर्टेड है सस्ते में मिलते, तो हमारे इम्पोर्टेड स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारी मोबाइल फोन है बाहर से सस्ते में मिलता है, स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज हो जाता है ठीक है। दूसरा भी चीज़ है, ट्रेड बैलेंस रिमेन गवर्नमेंट विच हैव टू ऑब्टेन एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज टू क्लोज द गैप, गवर्नमेंट जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है यूज कर लेंगे, उसमें क्या होगा अपना जो करेंसी जो है फॉल कर जाएगा, हमारा जो डॉलर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा रुपीज़ का जो है फॉल कर जाएगा। मतलब जो अगर गैप हमारा कमाई फॉरेन एक्सचेंज कमाई इम्पोर्ट कम हो जाएगा एक्सपोर्ट बाहर जाने का हो जाएगी तो जो करेंसी फॉल हो जाएगी। तो क्लोज द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस ट्रेड लार्जर ट्रेड डिफिसिट नेगोशिएट द इक्रामेंट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर के जो है जरूरत पड़ जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो है काफ़ी बोलते गाँव में बोलती है फॉरेन इन्वेस्टर मंगाते आप यहाँ पे बिजनेस करिए। कुछ दिन पहले ही बात हो रहा था हमारा जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसका बात चल रहा है, टेस्ला का जो उसका जो फॉरेन यूनिट हेड जो आए थे ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं तो बाहर से जॉब मंगाते हैं। बिकॉज ऑफ मोर इम्पोर्ट मीन फ्यूअर जॉब प्रोस्पेक्ट, मोर इम्पोर्ट मतलब है फ्यूअर जॉब प्रोस्पेक्ट जो भी होता है। बिकॉज ट्रेड इम्बैलेंस कॉज जॉब टू बी आउटसो, मतलब जो है हमारा आदमी बाहर जाकर जॉब कर जाए, यहाँ पे जॉब नहीं मिलेंगे हमारे इम्पोर्ट नहीं हो पाते, इकोनॉमिक जो है इंडस्ट्री कम रिड्यूस होते जाएंगे, जॉब जो है बाहर कंट्री में मिलेगा आदमी जो है बाहर चला जाएंगे, और यहाँ पे लोकल जो जॉब लॉसेज हो जाएगी, जो फैक्ट्री क्लोज हो जाएगा, ये सारी मैटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्ट्री क्लोज हो जाएगी ये भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये नेगेटिव आ जाएगा। एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिफिसिट क्या है, जो बात करता है हमारा जो कंज्यूम मोर देन इट प्रोड्यूस है, हमारा जो बहुत सारे आइटम जो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते पहले यूज नहीं हो पाता, बाहर से मंगाने के बाद क्या हुआ हम यूज कर पाते, हमारा जो लाइफ स्टाइल इंक्रीज हो जाएगा। इट असिस्ट कंट्रीज टू अवॉइड बाय एनी शॉर्टेज, को शॉर्ट
और अतकाई के बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाओ यहाँ पे मानते नहीं, कैसे हम बाहर से प्रोडक्ट मांगते, ऑनियन मांगाते कैसे कुछ कई केस में जो है पल्सेज बाहर से मंगाते, जो एडिबल ऑयल बाहर से हम यहाँ पे नहीं होते बाहर से मंगा लेते हैं जो सप्लाई को यूक्रेन से इन्फ्लेशन को रुकने के लिए। वेन कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेड गिव्स इन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गुड्स टू बी बूस्ट ग्लोबल वेल्थ, लाइक ग्लोबल वेल्थ इंक्रीज होता है। इट मेक्स पॉसिबल टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करते हैं। डिजायर में तो बाद रुपीज फॉल्स करेंगे, बाद रुपीज फॉल्स करेंगे जॉब लॉसेस हो जाएगा, लोकल करेंसी फॉल हो जाएगा, काफ़ी सारे डिजायर बने सर। ठीक है, इंडस्ट्री फॉल होगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, जॉब लॉस हो, इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट सारी चीज सारी तुम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम केस में इंक्रीज हो जाएगी, डिप्लेशन है, इंक्रीज इन लोकल इम्बैलेंस, फिजिकल इम्बैलेंस डैमेजिंग द डेवलपिंग कंट्री। कुछ पॉइंट जानना जो करंट अकाउंट डिफिसिट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारी अकाउंट आपको जानना जरूरी है। ट्रेड डिफिसिट मतलब बताया था, कॉस्ट ऑफ द कंट्री इंपोर्ट एक्सीड इज एक्सपोर्ट। ट्रेड डिफिसिट गुड्स शो ए राइज इन डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, कोई डिमांड मतलब हमारे पास हम बाहर का आइटम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होने का चांसेस है। वही से जो हम बात करते हैं हमारा जो कंजप्शन ज़्यादा है, हम मोबाइल फोन ज़्यादा यूज करते हैं, गाँव का मोबाइल यूज होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे मतलब यूज हो रहा है, मतलब मार्केट है, मतलब इकोनॉमी बूस्ट होने का चांसेस है, डिमांड इकोनॉमी मतलब यहाँ पे वहाँ पे प्रोडक्ट का जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मतलब डिमांड है। इसमें हम बात कर रहे हैं रूफटॉप सोलर एनर्जी के, यहाँ पे सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, रूफटॉप सोलर एनर्जी उस सब जो मॉड्यूल बनाने के लिए उस समय इक्विपमेंट बनाने के लिए काफ़ी डिमांड है अभी भी है। अभी जो मेजर टॉपिक वेपन्स का मैं बार बार तो वेपन्स का है, वेपन्स का बात भी काफ़ी सारी वेपन्स बन रहा है, ब्रह्मोस बन रहा है, अभी अग्नि सिक्स का बात चल रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी जो है जो बाहर से यूएस से मंगाने की बातचीत चल रहा था, ड्रोन मंगाने की बातचीत अभी बातचीत चल रही, वो इंडिया में बन जाएगा, इकोनॉमी हमारे पास है ही, तो इकोनॉमी बूस्ट होने का चांसेस है। अभी ड्रोन बनेगा इंडिया, जो यूएस से मंगा रहा था सस्ते में ड्रोन बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1/5 1/10 खर्चे में हमारा इंडिया में बन जाएगा, तो इन फ्यूचर हो सकता है हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबली आने वाला दिन में जो है वेपन्स का बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम लोग तो यूएस और रशिया से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टर से फ्रांस से इंपोर्टर करते हैं, अगर वो चीज़ सस्ते में मिल जाएगा, बहुत सारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है उसको सस्ते में मिल जाएगा हम इंडिया कंट्री से, तो क्यों नहीं करें, सस्ते में अच्छे चीज़ मिल जाएगा, रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा, तो इंडिया का बहुत बड़ी कंट्री एक इकोनॉमिक है, इसमें एक्सपोर्ट है। बाकी जगह में बाकी जो मेरा जो मानना है, बाकी एडिबल ऑयल जो बाकी छोटे मैंने जो एडिबल ऑयल पाल्स है तो कोई भी कंट्री बना लेगा, लेकिन जो अगर बूस्ट करना ग्लोबल मतलब 2047 तक हम डेवलप कंट्री बनाना है, तो हम जो सर्विसेज और जो है वेपन्स इस तरह से तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ करना पड़ेगा, आने वाले दिन का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए करंट अकाउंट डेफिसिट का करंट अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट इस करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इस कंट्री ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक ए कैपिटल अकाउंट इज ए कॉम्पोनेंट कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट में कॉम्पोनेंट रखता है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो है टोटल ट्रेड, इसमें देखें नीचे है बहुत से कॉम्पोनेंट, गुड्स सर्विसेज नॉट अर्निंग ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नेट अर्निंग ओवरसीज को इन्वेस्टमेंट किया जो बात कर रहा था, इंटरेस्ट डिविडेंड ओवरसीज इंक्रीमेंट होगा वो भी जो करंट अकाउंट डिक्रीसिव आ जाएगा। करंट मतलब कितना ट्रेड किया, नेक्स्ट पेज में के देख लेते हैं कितना वैल्यू ये किया, जो करंट अकाउंट क्या बोल रहा है, ट्रेड गैप नेट करंट ट्रांसफर नेट करंट इनकम अब्रोड उस सब मिला के जो है करंट अकाउंट डिक्री। ट्रेड गैप मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना गैप हो गया, चलो ये तो विजिबल है एक्सपोर्ट में, और भी बहुत सारे इनकम तो इनविजिबल है, सर्विसेज है बहुत सारे इनविजिबल है, जो करेंसी ट्रांजेक्शन होता है वो भी करंट अकाउंट में हो जाता है। ठीक है, ये सारी करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाएगा, बहुत कॉन्सेप्ट को ध्यान से करेगा, इसका क्वेश्चन इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए कंट्री कैन डिफाइन एज ए सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री, सिस्टम इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन है, सिस्टमेटिक एक स्टेटमेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना बैलेंस किया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड मतलब कितना टाइम के कितना बहुत सारी मतलब कई सारी सेक्टर में इंक्रीमेंट हो, कैसे नॉन इनविजिबल इनकम हो, बहुत सारी है कॉम्पोनेंट बैलेंस ऑफ कॉम्पोनेंट पेमेंट अकाउंट
इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, सब हीरो हमेशा सब टॉपिक का भी बात करते हैं। हम करेंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, करेंट अकाउंट बात कर लिया हमने। कैपिटल अकाउंट क्या है? इशो द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ कंट्री। कैपिटल एक्सपेंडिचर करते कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसकी समरी ऑफ नेट फ्लो ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनटू द इकोनॉमी, इसके ऊपर कैपिटल अकाउंट बाद में इनकम होगा, ठीक है। इरोड एनिमेशन जो बहुत से सेक्टर में इरोड मानता नहीं, मतलब वैसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लोज नहीं हो तो उसके नेट कैश में इनविजिबल लॉस में जो कंट्री अपना जो एक्सचेंज क्लियर करता है, उसमें यूज करते हैं। एक क्वेश्चन करता हूँ, 2011 में आया था, इसमें बोल रहे हैं अबव ट्रांजेक्शन मीन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है रिड्यूस करने के लिए डिवैल्यूएटिंग डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यूएट करेंगे तो उसके ऐसे होगा क्या, उसमें देख लेंगे। रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट सब्सिडी हम रिड्यूस कर लेंगे तो क्या होगा, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिड्यूस करेंगे तो उसमें करेंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा क्या। और जो अडॉप्टिंग सुइटेबल पॉलिसीज विद एट ग्रेटर एफडीआई जो है, ऐसे कुछ एफडीआई जो बात करेंट अकाउंट के लिए एफडीआई इंटरेस्ट अभी तो डिफिस कम हो जाएगा, मतलब एफडीआई वार्निंग डेफिनेटली हो, एफडीआई मतलब कारण हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस, मतलब एक्सपोर्ट अब कई टॉपिक एक्सपोर्ट अब इंक्रीज करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट दूसरे मतलब 8.3 है रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी यूज करने का हमारा नुकसान है, एक्सपोर्ट सब्सिडी यूज करना, तो एक सेकेंड नंबर पॉइंट ठीक नहीं है। डिवेल्यूटिंग डोमेस्टिक करेंसी, डिवेल्यूटिंग डोमेस्टिक करेंसी अगर कम करेंगे तो एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज होगा, ये पॉइंट ठीक है, ठीक है। इसका आंसर भी देख लेते हैं, इसका डिटेल आंसर देख लेंगे। डिटेल आंसर जो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बता रहे, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस दिस सब्सटेंशियल करेंट अकाउंट डेफिसिट बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट बाय और बाय डिक्रीजिंग इंपोर्ट। डिक्रीजिंग इंपोर्ट डिक्रीज करेंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे तो करेंट अकाउंट जो रिड्यूस हो जाएगा, व्हिच कैन थ्रू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन जो है इंक्रीज करेंगे, कोटाज एंड ड्यूटीज बाय सब्सिडीजिंग द एक्सपोर्ट एंड बॉर्ड बाय सब्सिडी इंपोर्ट, मैनिपुलेटिंग एक्सचेंज रेट और चीपर एक्सपोर्ट ट्रेन टू इंक्रीज इन बैलेंस एंड पेमेंट थ्रू दी डिवेल्यूटिंग, मतलब चीपर एक्सपोर्ट कर लेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इसका मतलब आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। तो फर्स्ट आर्टिकल काफ़ी लंबा हो गया, 27 मिनट हो गया, आपको पता नहीं आप लोग इतना ये रखेंगे ना, टॉपिक इतना लंबा ही है, कॉन्सेप्ट नहीं बोलते फिर भी इसका जो है मैं 10% ही बताया आपको जो है इकोनॉमी जो चैप्टर में जाके करेंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस एंड पेमेंट फाइनेंस अकाउंट कैपिटल अकाउंट इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आने का आपको अटेम्प्ट करने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए आप करेंट अफेयर्स में जाएंगे, करेंट अफेयर्स समुंदर है, कहाँ पे पढ़ेंगे, इतना जितना पढ़ेंगे उतना उतना कम है, इतना याद भी नहीं रखेंगे। लेकिन जो टॉपिक जिसमें चांसेस प्रोबेबली देंगे जिसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा, आप 10 पेज पढ़ेंगे इसमें ये 2 क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये पढ़ेंगे 1000 पेज पढ़ेंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन आएगा, वो गारंटी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हमने देखा वो इस टॉपिक को एनालिसिस करके वो पढ़ते हैं, वो ऐसा भी नहीं है, आपको ऐसा बहुत काफ़ी ये भी रीजन देखा गया, बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना जो है हाई पढ़ना भी आपको ना मिलने का चांसेस है, मतलब बहुत पढ़ना भी आपको जो है नेगेटिविटी है, बहुत पढ़ना नहीं है आपको, मतलब स्मार्टली पढ़ना है, जहाँ पे पढ़ना जरूरत हो आप स्मार्ट पढ़ कर चांसेस होंगे ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इंटरव्यू जगह फंस जाएंगे, आपको वो लोग आप जो आपको जज करेंगे वो लोग देखेंगे आप कहाँ कितना डेप पे आपको नॉलेज है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, सेंटर ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू ओवर 300 पीपल अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था रिसेंटली काफ़ी चर्चे में थे, वो उसको पर अभी तो 300 पीपल को उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट दे दिया, सिटीजनशिप दे दिया है 14 पीपल्स को, एप्लीकेंट को बाय हैंड दे दिया है और जो रेस्ट ऑफ दी एप्लीकेंट को उसको बाय पोस्ट भेजा जाएगा, यह है। इसमें आपको पढ़ना क्या है और क्वेश्चंस किस तरह आएंगे वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो सिटीजनशिप जो है एक जो है
पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने का चांसेस है। ठीक, हर साल नहीं आता लेकिन आता है इसके ऊपर। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, CAA 2019 है, एक पार्ट है। ठीक है, सिटीजनशिप जो सिटीजनशिप जो हमारा जो आर्टिकल से सिटीजनशिप है वो और भी कई बार जो अमेंडमेंट हुआ था। हमारा जो कानून है सिटीजनशिप का कानून है, कई बार अमेंडमेंट हुआ था, उसको वो डेप्थ में आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा जो है सिटीजनशिप, हम किस तरह आपको सिटीजन दिया जाता है, मतलब हम इंडियन जो है किस तरह, और भी कोई भी जो पर्सन एप्लीकेंट है किस किस बेसिस में उसको सिटीजनशिप दिया जाता है, उसे क्या क्या रूल्स है, वो आपको जानकारी जरूरी है। और जो कौन से साल में क्या अमेंडमेंट हुआ था, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था, उसको वो थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए ऊपर ऊपर पढ़ के मैं बार बार बोलता हूँ, आर्टिकल को ऊपर पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है, लेकर सुनकर चले जाएंगे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको जो आप खुद का जो है पैर कोड़ारी खुद मारेंगे जिसमें क्वेश्चन आपको नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आपको आएगा डेप्थ में क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था वो देख लेंगे, उसके ऊपर क्या क्या अगेंस्ट में बात हुई थी वो भी देखना जरूरी है, और जो बेसिक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट क्या है वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कि क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है, एक दो क्वेश्चन हम चेक करके देख लें किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट ऑन द ग्रांट सिटीजनशिप वो 300 पीपल को दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पास हुआ था, लेकिन कई सारी अगेंस्ट में बात हुई, क्या क्या अगेंस्ट में हुई थी, उसलिए अभी तो एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ, अभी 2024 में खड़ा है, 5 वर्ष में एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ, कई सारी जगह प्रोटेस्ट हुआ था, क्या क्या प्रोटेस्ट हुआ तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन जो एप्लीकेंट जो है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन एप्लीकेंट मस्ट बी डिक्लोज बाय द गवर्नमेंट, कौन सा कंट्री, मतलब अभी तो कौन सा कंट्री जो हुआ था जो एप्लीकेंट था, कौन सा कंट्री है ऐसे देख सकते नहीं है, मोस्ट सोचा जा रहा है पाकिस्तान से ही हुआ था ऐसा सोचा जा रहा है। ठीक, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके डॉक्यूमेंट जो सिटीजनशिप पोर्टल डिक्लेयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन, कौन सा कंट्री का ऑरिजिन है वो जानना जरूरी है, एंड सबमिट एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट ट्रेसिंग देयर रूट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान इस सब जो है इसका रूट, ऐसा रूट होना चाहिए जहाँ बांग्लादेश से आया है, पाकिस्तान का है अफगानिस्तान का है, इसका रूट का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसको जो है क्या क्या हिंदू सिख क्रिश्चियन जो 6 कम्युनिटी है, 6 कम्युनिटी के कम्युनिटी सर्टिफिकेट कोई भी जब पुरोहित मंदिर के पुरोहित बा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक एप्लीकेंट है झोला राम, क्या बोल रहा है प्लेटो वॉच में कि एक पुरोहित मंदिर का पुरोहित जो है इसको साइन द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिडेटिंग द रिलीजियंस, उसका क्या रिलीजियंस है उस पुरोहित से उन्होंने सर्टिफिकेट कैसे बांटा जा रहा है, मतलब कौन सी पुरोहित हिंदू सिख क्रिश्चन ये 5-6 कम्युनिटी है उसका कम्युनिटी है कि नहीं, और प्लस जो है एक डॉक्यूमेंट और चाहिए उसका जो बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान का से आया है बोल के उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल मोटा मोटा आर्टिकल है। कुछ पॉइंट, व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्या है वो जानना जरूरी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2006 अमेंड ऑफ सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में अमेंडमेंट हुआ, उसका पहले भी कई बार हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसका एक अमेंडमेंट हुआ था। सिटीजनशिप एक्ट 1950 पे क्या बोल रहा है, वेरियस वेज इन विच सिटीजनशिप मे बी एक्वायर्ड, 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है वो बता रहा है किस किस तरीका से, बाय बर्थ होगा, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी इनटू इंडिया, इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी इनटू इंडिया, सब सब 4-5 वजह से जो है आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में बताया गया। ओसी एक्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, एडिशन रेगुलर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन, ओसीआई कार्ड है कई बार इंडिया में आ सकता है कोई फॉरेनर, ओसीआई कार्ड मिल सकता है मल्टीपल टाइम जो लाइफ लॉन्ग मिल रहा है इसको ओसीआई कार्ड बोलते हैं। एंड इलीगल माइग्रेंट आज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अक्वायरिंग इंडियन सिटीजन, कोई भी इलीगल तरीका से आता है उधर पासपोर्ट और वीसा कुछ का पासपोर्ट वीसा लेकर आया लेकिन डेट ओवर हो गया फिर भी जो इंडिया में रहे वो भी इलीगल माइग्रेंट किया जाएगा। ठीक, एग्जेप्शन क्या हुआ था, 2015 और जुलाई 2016 में एग्जेप्शन हुआ था, गवर्नमेंट एग्जेप्टेड सर्टेन ग्रुप ऑफ इलीगल माइग्रेंट बीइंग इम्प्रिजन और डिपार्टेड, मतलब उसको वापस करना और इम्प्रिजन करना भी है, सर्टेन कंडीशन डाला
ऐसा बताया जा रहा है, दीज आर इलीगल माइग्रेंट हु केम इन टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान, तीनों कंट अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान ना पाएगा, बिफोर दिसंबर 31 दिसंबर 2014 का पहले आया था, एंड बिलोंग टू हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसी के छह कम्युनिटी होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम नहीं है, ठीक है, मुस्लिम बाकी और भी कम्युनिटी नहीं, और भी कम्युनिटी हो मुस्लिम के अलावा, ठीक है, मुस्लिम और भी, लेकिन ये भी होना चाहिए अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब आएगा, ऐसे भी नहीं है कोई श्रीलंका से आ गया कोई म्यांमार से आ गया उसका तो नहीं, ये चलिए तीन कंट्री से आना चाहिए। के प्रोविजन जो बाद हिंदू सिख छः कम्युनिटी हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिस्टन जो है बिल अमेंड एक्ट जो है उसमें 31 दिसंबर 2014 का पहले आएंगे, उसका जो है इन बेनिफिट डे मस्ट ऑल्सो हैव एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी फॉरेनर एक्ट 1946, फॉरेन एक्ट एग्जेम्प्टेड होना पड़ेगा, उसका पासपोर्ट वीजा होना चाहिए एंड पासपोर्ट एंट्री इन टू एक्ट जो 1920 होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट होगा तो नहीं होगा। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में जो है एट ऑलोजी पर्सन अप्लाई सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन बाय नोटिफिकेशन इफ द पर्सन मीट सर्टेन क्राइटेरिया, फॉर इंस्टेंस ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर ईयर, कोई पर्सन एक आदमी इंडिया में एक साल से रहा है, वन ऑफ दी हिज पेरेंट्स और फॉर्मर इंडियन सिटीजन, एक कोई भी पेरेंट मामी और मदर और फादर कोई भी पेरेंट्स होगा कि जो फॉर्मर इंडियन सिटीजन में अप्लाई फॉर सिटीजनशिप और रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक साल भी इंडिया में रहा है और इसका जो एक मामी मदर और फादर कोई भी पेरेंट्स जो है पहले का जो इंडियन सिटीजन रह चुके हैं। नोटिफिकेशन में क्या होगा, नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन ए पर्सन मस्ट बी रिसाइड इन इंडिया और हैव बीन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 11 ईयर्स, ठीक है, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएंगी। एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सिटीजनशिप मिल गया मैं फॉरेनर को सिटीजनशिप मिल गया, ठीक है, 11 ईयर्स जो न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, उसमें इंडिया में बर्थ भी नहीं हुआ फिर भी 11 ईयर्स इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर फिर सिटीजनशिप मिल गया, प्रेसिडेंट भी हो पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मतलब फॉरेनर भी प्रेसिडेंट हो पाएंगे, मैं फॉरेन इंडियन सिटीजन हो गया बर्थ विदाउट बर्थ, ठीक है, लेकिन यूएसए कंट्री में ऐसा नहीं है, यूएसए कंट्री उसमें बाई बर्थ होना चाहिए, एक क्वेश्चन हो सकता है। कंसर्न क्या बोल रहे हैं, आसाम जो है इशू रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट, आसाम में क्या हुआ, आसाम अकॉर्ड 1985 ये लोग क्या आसाम में क्या गया, आसाम में प्रॉब्लम है, उन्होंने देखा 20 मिलियन के ऊपर इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट फ्रॉम आसाम, 20 मिलियन के ऊपर उन्होंने देखा, 20 मिलियन के ऊपर जो बांग्लादेश का आसाम में आकर बैठ गया, उनको जो उसमें जो कैसे इश्यूज हो रहा है प्रॉब्लम जो आसाम में इलीगल उनका 1985 अकॉर्ड में उन्होंने क्या बोला, जो बांग्लादेश बिफोर 25 मार्च 1971 का पहले तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन को भी आया जब उसको वापस किया जाएगा उसको रिपोर्टेड किया जाएगा, ऐसा बता रहा है, ये भी कंसर्न है। दूसरा है क्रिटिसाइज आर्गो वायलेज आर्टिकल 14, हम बात कर रहे थे सिर्फ छः कम्युनिटी को कॉमनेट किया, इसका पहले भी जो है आर्टिकल 14 क्या बोल रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी बोथ वो सिटीजन एंड फॉरेनर्स, लेकिन जो सिटीजन अमेंडमेंट 2019 में क्या हुआ था, एक कम्युनिटी हुआ सिर्फ छः कम्युनिटी को बात कर राइट टू इक्वलिटी नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए भी एक कंसर्न है। आधा रिफ्यूजी फ्रॉम श्रीलंका म्यांमार, हम तीनों स्टेट करेंट कंट्री के बोल रहे हैं, इसको श्रीलंका म्यांमार कई सारी कम्युनिटी जो इंडिया में आकर बैठ गया उसके भी जो कोई बातें नहीं हुआ, आर्टिकल 14 जो कंसर्न आर्टिकल नहीं हो रहा है, ये भी पॉइंट बातचीत हो रहा है। इट विल डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलीगल माइग्रेंट एंड दोज जो प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, कौन सा इलीगल माइग्रेंट है कौन सा प्रोसिक्यूटेड माइग्रेंट है बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, विल थ्रो द लाइट ऑफ द रिलीजन ऑपरेशन दैट इज हैपनिंग इन द थ्री कंट्रीज ओनली, दस मतलब सिर्फ थ्री बांग्लादेश पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान से ले रहे हैं, बाकी जो कंट्री से नहीं ले रहा है, मतलब आपका श्रीलंका हो गया बाकी म्यांमार उसको जो कंट्री से नेपाल होगा भूटान होगा कोई भी होगा उसमें इलीगल, तो रिलेशन भी खराब होने का चांसेस, ये भी पॉइंट है। गवर्नमेंट के स्टैंड को बोले, गवर्नमेंट बोल रहे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ये जो है ऑलरेडी मुस्लिम जो कंट्रीज है, इसलिए जो प्रोसिक्यूटेड वो ऐसा बातें जाएगा उसमें ऐसे कोई मुस्लिम कंट्री से प्रोसिक्यूट होगा इंडिया में, ऐसा तो बातचीत नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इसलिए जो ये कंसर्न नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते। अगर गवर्नमेंट बिल एम टू गेन ग्रांटिंग रादर देन टेकिंग एवे समवन सिटीजन, कोई किसी ग्रांट देने को किसी को सिटीजनशिप वापस लेने के लिए बातचीत नहीं हो रहा, ग्रांट करने के लिए बात हो रहा है, ठीक है, एग्जामिन एप्लीकेशन इट एसो दैट गवर्नमेंट विल एग्जामिन द एप्लीकेशन फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी
कैश टू कैश बेसिस, आधा क्या टू में कैश टू कैश बेसिस में पहले भी हो रहा था, अभी भी हुए कुछ पॉइंट है गवर्नमेंट तरफ से। ठीक है, ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो गया, कुछ और जस्ट पॉइंट डिस्कस हो गया, ऑलरेडी कई भी तरह गवर्नमेंट बात करें, एक उस पॉइंट नहीं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन नहीं होगा, फिर इंडियन सिटीजन्स अरेस्ट डिटेंशन होगा कि नहीं होगा, फ्रेंडली अलायंस, कोई आदमी फ्रेंडली अलायंस है, फ्रेंडली अलायंस क्या है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल भूटान फ्रेंडली अलायंस है, श्रीलंका फ्रेंडली अलायंस है, लेकिन जो एनी मैन जो हो जाए आपको चाइना से आ गया, वो पाकिस्तान से आ गया, ठीक एनी मैन अलायंस ऐसा भी नहीं चलेगा, अलायंस बहुत फ्रेंडली जो ए भी पॉइंट है, एक जानकारी होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडियन अलायंस, जो सिटीजन्स इंडिया अलायंस, अलायंस मतलब बोलो बांग्लादेश है, नेपाल भूटान है, इसमें श्रीलंका, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स है, मतलब आर्टिकल 15, राइट टू इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मैटर पब्लिक, मतलब जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, आर्टिकल दूसरे आर्टिकल 19, राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन असेंबली, मतलब जो कई जगह फ्रीडम टू स्पीच हो इंडियन सिटीजन हो सकता है, अलायंस से जो लोग आए उसको भी है क्या एप्लीकेबल, ऐसा पूछा जा रहा है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंस को प्रोटेक्शन मिलेगा आर्टिकल 20, अलायंस का और इंडियन सिटीजन है कि नहीं ऐसा पूछा जा रहा है, तो सिटीजन्स क्या है अलायंस क्या है उसको जानकारी होना चाहिए आपको। सिटीजन्स आर द फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट एंड वो जो है अलायंस होते वो एंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो इंडियन सिटीजन है अलायंस जो है अलायंस आर सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट एंड डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल पॉलिटिकल राइट्स, सब सिविल पॉलिटिकल राइट उनको नहीं मिलेंगे। अलायंस भी जो है दो तरह का है, फ्रेंडली अलायंस और एनिमी अलायंस, फ्रेंडली अलायंस जो है फ्रेंडली अलायंस आर दो सब्जेक्ट टू कंट्रीज हैव कॉर्डियल रिलेशन इंडिया, एनिमी अलायंस जिसका कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, एनी मैलेंस जो है दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, इसको जो एनी मैलेंस है कोई अरेस्ट डिटेंशन इसको नहीं मिलेंगे, उसको अरेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, सिटीज ऑल्सो सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट पेइंग टैक्सेस रिस्पेक्टिव रेस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम डिफेंस ऑफ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट्स है ये सब राइट्स है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको पता है ये सब सिटीजन्स को अप्लाईबल है। जो बात इंडियन बोथ सिटीजन बाय बर्थ एंड एज वेल नेचुरलाइज सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर दी ऑफेंस प्रेसिडेंट, मतलब जो है इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो बाय बर्थ एंड बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनों को मिलेगा। ठीक है, जो फॉरेनर जो इंडियन सिटीजन हो गया नेचुरलाइजेशन का तो वो भी ये प्रेसिडेंट हो सकता है। और यूएसए ओनली सिटीजन ऑफ बर्थ नॉट ए न्यूट्रलाइज सिटीजन एलिजिबल फॉर दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यूएसए का तो ऐसा नहीं है, इसको डिटेल हम देखते हैं। आर्टिकल 5-11 डील विथ सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ऐसा बात पूछा जा रहा है, आपको जानकारी होना चाहिए। सिटीजनशिप एक्ट 1950 आर नॉट अमेंडेड विच द फॉलोइंग ईयर्स, कौन सा अमेंडमेंट नहीं हुआ था 1986, 1992, 2003, 2006 ये सब अमेंडमेंट नहीं हुआ था ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बता रहा था ना, द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सिटीजनशिप आर्टिकल 5-11 पार्ट टू, ठीक है 5-11 पार्ट टू में आर्टिकल्स हुआ था, तो फर्स्ट जो बात क्वेश्चन है 5 सिटीजनशिप का बात कर रहा है। ठीक, अमेंडमेंट का बात करें कौन से साल में, ये बात कर लेंगे इसमें कौन सा अमेंडमेंट कौन सा साल में हुआ था, डिटेल जानकारी होना चाहिए। अमेंडमेंट 2006 हुआ था, एक्चुअली 2005 में अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो अमेंडमेंट डिटेल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअली बोल सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1986 में क्या अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अमेंडमेंट इट वॉज प्रोविजन रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ओसीआई एंड पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन पीआईओ कार्ड। सिटीजन अमेंडमेंट 2003 में क्या अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट अलाउड पर्सन हु आर इन हैव बीन मैरिड इंडियन सिटीजन 2003 में अप्लाई ऐसा हुआ था, कोई भी आदमी जो मैरिड इंडियन सिटीजन को मैरिड कर लिया, मतलब कोई भी मैरी हो गया मैरिड कर लिया तो सिटीजन अप्लाई कर सकता है, एटलीस्ट इफ दे आर रिसाइड इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर दे
कोई भी इंडियन तो कोई भी आदमी व औरत जो इंडियन सिटीजन आप शादी कर लिया और 2 साल में इंडिया में रह रहे तो अप्लीकेबल कर सकते हैं। 2005 में क्या हुआ था, बहुत ध्यान से कहाँ पे क्या अमेंडमेंट हो बहुत ध्यान से सुनिए। मैं 2086 का बात कर लिया, 2003 का बात कर लिया, दोनों का बात कर लिया। 2005 में क्या हुआ था, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ सिटीजन बाय चिल्ड्रेन बॉर्न आउटसाइड इंडिया टू इंडियन सिटीजन। ठीक है, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्विजिशन सिटीजनशिप बाय चिल्ड्रेन बॉर्न आउटसाइड इंडिया टू इंडियन सिटीजन। कोई भी इंडियन सिटीजन का जो है आउटसाइड में जो बॉर्न हो गया वो भी इंडियन सिटीजन मिल सकता है। इफ स्पेसिफाइड बाय इट इज दैट एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन। कोई भी इंडियन बच्चा जो है बाहर पैदा हुआ है बाहर कंट्री में जाएगा उसमें कोई भी मम्मी पापा कोई भी इंडियन सिटीजन हो तो उसका जो बच्चे को भी इंडियन सिटीजन मिल जाएगा। 2015 में क्या बोल रहा है, अमेंडमेंट अलाउड द मर्जर ऑफ जो OCI PIO OCI का दोनों मर्जर हुआ, 2015 में दोनों को मर्ज कर लिया था। 2019 में जो बात हुआ, 2019 में जो बात हो गया, 2006 कॉमेंट को अमेंडमेंट हुआ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वे टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कौन सा नॉट ए वे, रिनिशिएशन डिसेंट रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, इसका कोई जानकारी डिटेल जानकारी को होना चाहिए। राइट आंसर जो टैग जो है 5 वे टू गेट ए सिटीजनशिप, किस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकता है, बाई बर्थ, बाई बर्थ डिस्कस करते हैं। इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर January 26, 1950 बट बिफोर July 1987, आप अगर इंडिया में बर्थ जन्म ले रहे हो January 26, 1950 और जो है July 1, 1987 एंड बोथ योर पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन, यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको पहले जो बोल रहे हैं मतलब 2005 से लेकर 2087 तक जो है आपको इंडिया में जन्म ले रहे हो अब बोथ और पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन तो आपको इंडियन सिटीजन से मिल जाएगा। लेकिन इंडियन जो जो अमेंडमेंट हुआ July 1, 1987 का उसमें अमेंडमेंट हुआ था आइदर योर पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन यू विल बी गेट इंडियन सिटीजन बाय बर्थ। 1987 जुलाई के बाद कोई भी एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन, एक फॉरेनर एक पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन होगा तो आपको इंडियन सिटीजन से मिल जाएगा, पहले ऐसा नहीं था। सिटीजनशिप बाई डिसेंट मतलब इफ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर January 26, 1950 बट बिफोर December 10, 1992 एंड योर फादर वॉज ए इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, योर फादर मदर नहीं योर फादर इंडियन सिटीजन आपको बर्थ होगा तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है 1992 में किया आइदर योर पेरेंट्स कोई भी है अगर बाहर जन्म ले रहे आइदर पेरेंट्स अगर मम्मी और पेरेंट्स कोई भी एक इंडियन सिटीजन होगा तो आपको सिटीजनशिप बाई बर्थ वो भी आपको मिल जाएंगे बाई डिसेंट में। ठीक है, क्लियर है, पहले क्या था सिर्फ फादर को सिटीजनशिप होना चाहिए, बाद में 1992 को कोई भी मामी पेरेंट्स कोई भी इंडियन सिटीजन हो बाहर अदर कंट्री में आप जन्म ले रहे तो आपको भी सिटीजनशिप मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्या है, फॉरनर हु हैव बीन रिसाइडिंग इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एंड हैव इंटेंशन टू सेटल इन द कंट्री कैन अप्लाई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशन अप्लाई, स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं किसी भी इंडिया में रहना चाहते हैं। सिटीजनशिप बाय नॉटुलेशन जो बात हो गया था उसको 11 ईयर्स रहना चाहिए और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में 11 ईयर जॉब करेंगे सबको सिटीजनशिप मिल जाएंगी। OCI कार्ड जो इंडिविजुअल ऑरिजिन ऑफ इंडिया सिटीजन अदर कंट्रीज कैन अप्लाई बाई OCI कार्ड, OCI इज नॉट फुल सिटीजनशिप बट ऑफर सर्टेन राइट एंड प्रिविलेज, OCI कार्ड फुल सिटीजन नहीं मिलेगा उसको सर्टेन राइट या प्रिविलेज मिल जाएंगे। सच एबिलिटी टू ट्रैवल इंडिया विदाउट ए वीसा ओन प्रॉपर्टी एंड वर्क कुछ कर सकते हैं ओन प्रॉपर्टी कर सकते OCI कार्ड है। एक कुछ टॉपिक है सिटीजनशिप के ऊपर मैं से MNCA एक नाम डिटेल्स डिस्कस किया, मैं सजेस्ट करूँगा आप जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उसको डिटेल पढ़िए, इसके ऊपर क्वेश्चन और बहुत सारे है, मैं तो एक दो क्वेश्चन अटेंड किया है समझा सबको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, आज मैं आर्टिकल में हैप्पी एंड करता हूँ, अगर मैं आर्टिकल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स आपका जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ और डिटेल्स के साथ, थैंक यू।